कुछ माने दो तीन प्रभात मुस्कुरा रहे हैं कि कुछ माने क्या माल्य मूल्य अनुशीलन केंद्र में काव्य पाठ और दो तीन हिंदी की छोटी छोटी कविताएं पढ़ के एक कविता का शीर्षक है प्रेम का कारोबार। प्रेम प्रेम नहीं पर प्रेम का प्रेम नहीं है पर प्रेम का प्रदर्शन जबरदस्त है। पूरा हिसाब किताब है, अखबारों में लेख है, किस दिन कौन सा फूल देना है, किस दिन कौन सी बात कहनी है, किस दिन कौन सा चॉकलेट गिफ्ट कर देना है। गहनों की दुकानें कह रही हैं चिल्लाकर, जब तक मेरे यहाँ के गहने नहीं दोगे नहीं माना जाएगा कि करते होते हैं। तरह तरह की घड़ियां हैं जो समय बताने की जगह बताने लगी है प्रेम की इंटेंसिटी। तरह तरह की घड़ियां हैं जो समय बताने की जगह बताने लगी हैं प्रेम की इंटेंसिटी। शब्दों से नहीं ब्रांडेड कपड़ों या जूतों से होता है इजहारे इश्क। शब्दों से नहीं ब्रांडेड कपड़ों या जूतों से होता है इजहारे इश्क। प्रेम पत्रों को पुरस्कार की तरह कप का बटोर ले गया है समय का फर्जी कवि। प्रेम पत्रों को पुरस्कार की तरह कप का बटोर ले गया है समय का फर्जी कवि। मैसेज जाते हैं लिखे जाते हैं इधर से उधर, फॉरवर्ड किए जाते हैं पढ़े जाने के पहले ही मिटा दिए जाते हैं। प्रेम में कितनी बार कहना है गुड मॉर्निंग, कितनी बार होनी है गुड नाइट, सब तय है समय का फोटोग्राफर बताएगा। कब दी जानी है बाकी चितवन, कब बिखेरनी है मुस्कान, और कब कैसे इतराना है। सेल्फी पॉइंट बने हैं प्रेम के, सेल्फी ली जानी है और भेज दी जानी है। हर समय दिखाते रहना है, हर समय बताते रहना है, विज्ञापित करते रहना है। विज्ञापन ही प्रेम है, प्रेम ही विज्ञापन है। इस बनिया समय में बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रेम का कारोबार। बात को बनिया समय में बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रेम का कारोबार। टर्नओवर किसी से कम नहीं है। प्रेम का एक दृश्य आपने देखा और एक दूसरा दृश्य, ये जो पंडित जी हमारे मित्र बशीर द्विवेदी अभी कहते हम लोग एक ही शहर के रहने वाले हैं, और ये जो दूसरी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका संबंध गोरखपुर शहर से, लेकिन किसी भी शहर से हो सकता है। कविता का शीर्षक है साथिन के माथे का ढील हेरते मनई। साथिन के माथे का ढील हेरते मनई, ढील तो जानते हैं ना, उसको जूं कहते हैं। और अभी कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि जूं की वजह से एक हवाई जहाज की आपात लैंडिंग हुई, कल या परसों के अखबार में। तो उसी जू को देसी भाषा में ढील कहते हैं। शहर के विजय चौक पर अली नगर की ओर से बहकर आने वाले गंदे नाले पर आसियाना बनाए युगल कौन हो तुम। ये एक दृश्य मैं बता दूं
तो शायद कविता को ग्रहण करने में आपको सुबह सुबह मैं गोरखपुर में एक होटल में रुका हुआ था और उतनी सुबह चाय नहीं मिल रही थी, तो मैं चाय के तलाश में निकला और देखा कि वो एकदम गंदी नाली पर वो उसको थोड़ा पॉलीथिन तान के और कुछ लकड़ी कुड़ी डाल के दो युगल बैठे हुए हैं और वो पुरुष जो है स्त्री के माथे से ढील घेर रहा है। शहर के विजय चौक पर अली नगर की ओर से बहकर आने वाले गंदे नाले पर आसियाना बनाए युगल कौन होता? किसने यह गति बनाई? किसने छीन लिया राजपाट? किसने जब्त कर ली खेती बाड़ी रोजी रोजगार? फिर किस निष्ठुर पिता ने दे दिया बेटे बहू को वनवास? कौन हो तुम सुबह सुबह ऐन चौराहे पर साथिन के माथे का ढील घेरते मनी? मन नहीं नहीं, मनु कैसे हो सकते हो तुम? मनु जैसी भव्यता कहाँ है तुम में? तो क्या शकुनी की दूध पीड़ा में से चले गए बन बन भटकते पांडव और द्रौपदी हो तुम? लेकिन यह भी नहीं हो सकता, कहाँ महारथियों जैसे पांच भाई और कहाँ तुम साथिन के माथे से ढील घेरते मनई? तो फिर क्या अपने ही भाई पुष्कर से जुए में राजपाट हार आए नल दमयंती हो? लेकिन यहाँ शहर में कैसे? वे तो वन में थे, वन में अजगर था, व्याध था, नदी थी, नदी में राजा नल के हाथ से कूद कर चली गई मुंह चढ़ाती धुली हुई मछली थी। लेकिन यहाँ शहर में कैसे? वे तो वन में थे, वन में अजगर था, व्याध था, नदी थी, नदी में राजा नल के हाथ से कूद कर चली गई मुंह चढ़ाती भुनी हुई मछली थी। अच्छा, वन में फल नहीं थे इसलिए नगर में आ गए, वन में फल नहीं थे इसलिए नगर में आ गए। पर तुम्हारा हाल देखकर नहीं लगता कि नगर में भीख भी मिलती होगी, पर तुम्हारा हाल देखकर नहीं लगता कि नगर में भीख भी मिलती होगी। सही है कि नगर में कोई हाल पूछने वाला न हो, सही है कि नगर में कोई हाल पूछने वाला न हो तो वह वन से भी बिहड़ हो जाता है। अजगर तो खैर यहाँ अभी योगेश जी ने नागरिक विचारणी सभा के परिसर से अजगर निकाला, पता नहीं और कितने तो सही है कि नगर में कोई हाल पूछने वाला न हो तो वह वन से भी बिहड़ हो जाता है। अजगर तो खैर यहाँ कदम कदम पर है नील लेने को आतुर। क्या तुम्हारे पास प्रेम करने का यही आखिरी उपाय बचा है, साथिन के माथे का ढील घेरना? तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, सब कुछ गंवा कर, सब कुछ लुटा कर यहाँ खोल बैठे हो प्रेम की पाठशाला और बताए जा रहे हो प्रेम करने का आखिरी उपाय साथिन के माथे का ढील घेरना। और एक और छोटी सी कविता हिंदी में, हिंदी की सुना के फिर मैं भोजपुरी की एक दो कविताएं आपके सामने। वर्षा ऋतु है, इंद्रधनुष आपने देखे होंगे कि चिरई। कविता का शीर्षक है हमरे मन के चिरई। हमरे मन के चिरई तोहरे बरगद पर खोतौना बना रहा बा,
हमरे मन के चिरई तोरे बर्गर पर खुतौना बना रहल बा, देखी हा ओकर ख्याल रखी हा। उ चिरई हा तोहके तनिको हैरान परेशान ना करी, एने ओने से दाना ले आई, खाई पी ही, चहक चहक के गीत गाई आ तहरा बर्गर के गुलजार के ले रही, देखी हा ओकर ख्याल रखी। तो भोजपुरी के दो और कविता, एक कविता के शीर्षक है आवत आसान खेत बचैया है भाई, टीका चंदन लागल बा हाले के दागल बा, मानी नानी करी बरियाई, आपन आपन खेत बचैया है भाई, चरला मेरी भेव न माने चरलस ताल तलाई, मटर खैलस गहूँ उजरलस उखियों के ओर धवरल है भाई, चरले मेरी भेव न माने चरलस ताल तलाई, जौने खेत में लार चुआवलस तौने के नाश भई रे भाई, आवत आसान बड़वरका है भाई,